हेलो दोस्तों, पहले ही आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक छोटे गांव गढ़थती से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज दिन के 12 बजे से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग ने एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी ने एकदम मस्त हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो अभी मैं घर पे हूँ। मॉर्निंग से मैं ना घास के लिए गई थी और घास भी मैंने आज ना ला दिया है। और अभी मैं कर रही हूँ दिन के खाने पीने की तैयारी। अभी बाकी सभी लोग हैं। तो मॉर्निंग से अंशी ना आज स्कूल जा रखी थी, तो आज अंशी को ना मेरी सासू जी स्कूल लेके गए। तो अभी सासू जी और जो ऋषिकेश वाली सासू जी और दादी लोग बैठे हुए हैं दादी के पास में ही, और साथ में अंशी भी। तो वहाँ पे वो लोग ना एल्बम देख रहे हैं। तो मौसम की आज बात की जाए ना, तो आजकल ना थोड़ा सा ना पहाड़ों में मौसम चेंज हो रखा है। शायद हर जगह ही ऐसा हो रखा होगा, क्योंकि ना रात के टाइम तो बहुत तेज़ बारिश चल रही है, लेकिन दिन के टाइम पे ना मस्त वाली ना धूप निकली है। तो आज भी ना कल से ना काफ़ी अच्छी ना धूप निकली हुई है। तो अच्छी ना धूप निकली है, तो चलो आप लोगों को ना एक बार आज का ना मौसम दिखा देते हैं। तो मस्त वाली ना धूप निकली हुई है। तो आज का मौसम ना काफ़ी मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चौमासे के टाइम पे ना पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ना बरसात होती है, जिस वजह से ना कमरों में ना काफ़ी ज़्यादा ना सीलन आ रखी होती है। तो आज मैं ना काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो सोचा थोड़ा बहुत ना कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं। कुछ ना मैंने डाल दिए हैं, तो कुछ ना डालने बाकी है, ये देखिए यहाँ पर। तो चलो आज ना यही काम कर लेते हैं और उसके बाद ना बनाना है खाना पीना। और आज हमारे घर में ना खास मेहमान आने वाले हैं, तो वो ना आप लोगों को ना वीडियो में आगे आगे ना देखने को मिलेगा। तो चलो पहले ना काम कर लेते हैं। कपड़े सुखाने के लिए ना हमने यहाँ से ना जुगाड़ कर रखा है, यहाँ से बीमों पे ना रस्सी बांध रखी है और सीधे वहाँ पे ना उस रस्सी को बांध रखा है। तो इस रस्सी में मैंने अभी ना कपड़े डालने हैं, और बाकी इस साइड भी जितने आएंगे, इस साइड भी है कपड़े, लेकिन इनको ना साइड पर लगा। तो अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, और सासू जी लोग देख रहे हैं ननद की एल्बम शादी की। बस बस हो गया, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना सासू जी ननद की ना एल्बम देख रही हैं शादी की। तो ये मेरी ननद की ना शादी की एल्बम है, तो काफ़ी प्यारी आ रखी है ननद की शादी की एल्बम। तो थोड़ा सा ना आप लोगों को भी दिखा देते हैं, और ये है ननद। यहाँ पे ना मिस्टर जी, मैं और अंशी। अंशी ने तब 1.5 महीने की थी, देखिए अपने पापा के हाथ में अंशी।
अभी टाइम ना 2 बज चुके हैं और मेरा ना खाना पीना भी बन के रेडी है। तो हमारे घर में ना कुछ खास मेहमान भी पहुंच चुके हैं, तो जो मैं आगे समय आप लोगों को बता रही थी कि कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो वो भी ना आ चुके हैं। तो चलो अब वहाँ चलते हैं और लोगों को दिखा देते हैं कि खास मेहमान कौन है। तो ननद का पति है और मेरा ना भाई है, तो मैं इस इनके साथ ना 1.5 साल बाद ना मुलाकात हो रही है। 1.5 साल बाद ना 2 साल 2 साल बाद ना मुलाकात हो रही है, क्योंकि भाई साहब ना दुबई से घर आए हैं। तो आज हमारे घर में आए हैं, कितनी तारीख को आए थे घर? 17 तो भाई साहब आए थे 17 तारीख को घर, लेकिन हमारे घर में पहुँचे हैं 27 तारीख को। तो अपने गाँव से आगे आप सीधे हमारे यहाँ आ गए हैं। तो भाई साहब ना काफी ज्यादा सुंदर हो रखे हैं और इनके सामने हम बेकार लग रहे हैं। और भाई साहब को शर्म आ रही, बोले ऐसे बोले शर्म आ रही है। तो 2 साल पहले मिले थे और 2 साल बाद आज मिलना हुआ है। और आज सासू जी से भी मुलाकात हो गई है, तो इनसे मतलब शादी के टाइम पे ना भाई साहब की मुलाकात तो हुई नहीं थी, तो आज हो रही है सासू जी से। मतलब बड़े वाली ये है और छोटे वाली भी है, तो ये यहाँ पे रीता। तो अब थोड़ा सा ना बैठे रहते हैं साथ में, क्योंकि काफी अच्छा लगता है। तो आप लोगों को ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अब थोड़ा सा ना बातें कर लेते हैं। टाइम ना शाम के 6:30 हो चुके हैं और आगे समय से मैं आप लोगों को ना अभी मिल रही हूँ, क्योंकि ना आगे समय से मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। तो अभी हमारी गाय भी बाहर है और मौसम भी अभी ना काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब हो गया था, तो जो कपड़े ना बाहर डाल रखे थे सुखाने के लिए, तो वो को फोल्ड करते करते और मतलब ऐसे ही घर का काम काज करते करते ना आज टाइम का ना पता ही नहीं चला कि कब ना 4 या 4:30 हो चुके हैं। तो आज बिल्कुल भी ना मेरे को टाइम नहीं मिला आगे समय से। तो अभी मौसम ना काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब हो गया है और अब ना शाम के खाने पीने की तैयारियां करते हैं और अंधेरा भी अब ना होने वाला है। तो चलिए जी, आज की वीडियो को ना इतना ही रखते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।